ये जो बीच है ना ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये बिल्कुल आराम से विजिट करने के लिए है और थोड़ा बैठ कर यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा सा व्यू ले सकते हैं, इस टाइप का पॉइंट है। तो दोस्तों ये बीच आपको जब आप कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम की तरफ आते हैं ना तो ये पॉइंट आपको बीच में ही मिल जाएगा और त्रिवेंद्रम के पहले ही ये बीच है, कोवलम बीच बोलते हैं इसको। और यहाँ पर ना बहुत ही शांति की अनुभूति होगी आपको और आप ऊपर में देख रहे हो ना यहाँ पे जहाँ पे ग्रीनरी और व्हाइट है तो वहाँ पे रिसोर्ट है, सारे टाइप के आपको होटल्स और रिसोर्ट वहीं पे मिल जाएगा। जो यहाँ पे स्टे करता होगा ना तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी क्योंकि वहाँ पे रिसोर्ट में अगर कोई रहता है तो टॉप से ही पूरा समुद्र का जो व्यू आता होगा ना तो वो तो देखते ही बनता होगा, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो जब भी आप आते हैं अगर कोवलम बीच में तो यहाँ पे एक दिन तो आप स्टे करिएगा जरूर क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। और ये बीच भी काफी शांति वाला लग रहा है और सारी बोट जो है ना उसी साइड पे होती है, बोट राइडिंग और जो भी चेंजिंग रूम सभी उसी साइड में है और ये बीच बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही हाइजेनिक वाला लग रहा है मुझे। और इसी साइड पे सारे बोट राइडिंग करवाएंगे आपको, स्पीड बोट भी होता है यहाँ पे और होटल रिसोर्ट भी वहीं पर है। तो इस टाइप का बीच है ये और इस बीच में जब आप आते हैं ना तो यहाँ पे आपको ही मेन रोड में ही ये बीच आपको मिल जाएगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रीट शॉप वगैरह है, यहाँ पे सारी दुकानें वगैरह लगी हुई है जो काफी कॉस्टली, यहाँ पे सामान जो है बहुत ज्यादा महंगे हैं तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। और ये बीच वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो समुद्र के किनारे आने के बाद तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा हम हर दिन तो नहीं कर सकते, हर दिन हम घूम नहीं सकते, लेकिन जब भी हम आते हैं समुद्र किनारे तो एक अलग सी जो शांति और जो खुशी मिलती है ना उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और अभी जैसे भी आप समुद्र में आते हैं ना तो मौसम कभी भी चेंज होता हुआ नजर आएगा, कभी भी यहाँ पे बारिश हो जाती है, 5 मिनट 10 मिनट की बारिश हो जाएगी, कभी भी धूप निकल जाएगी। तो समुद्र किनारे यही रहता है कि मौसम कब बदल जाता है, पल भर में मौसम बदल जाता है, पल भर में बारिश हो जाती है और धूप भी निकल जाती है और उतनी ही गर्मी लगती है। तो यही है समुद्र किनारे की खासियत, यहाँ पे कब बारिश हो जाए कब मौसम चेंज हो जाए कुछ बता नहीं सकते और गारंटी नहीं रहती है। और जो सी साइड रहता है ना हमेशा बहुत खूबसूरत नज़ारा, जो नेचर है ना उसकी बात ही अलग है, उसकी वाइब ही अलग है। और यहाँ पे इतनी सारी नाव रखी है और ये सारी नाव मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मछली पकड़ने वाली नाव है क्योंकि इस टाइप के नाव तो शायद मछली पकड़ने वाले ही यूज करते हैं। और आगे में जो हट जैसा दिख रहा है ना वहाँ पे इंक्वायरी ऑफिस हो सकता है, जैसे स्पीड बोट या बोट राइडिंग के लिए अगर आप आते हैं तो। और अभी एक बोट है जो निकल रही है अभी राइडिंग के लिए, वो रेडी हो रही है। तो अगर आप आते हैं तो इस साइड में है सारी चीज़ें, आप देख सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो क्योंकि 1000 से लेकर 3000 तक का बोट राइडिंग का बोला गया था, हो सकता है अगर बार्गेनिंग करें तो कम में मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे यार इतनी कम भीड़, मैं एक बात बताऊँ आपको कि इंडिया में हमारे यहाँ पर कहीं पे भी जाओ अगर भीड़ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हर स्पॉट पे भीड़ दिखनी ही दिखनी है। और बीचेस में तो बहुत ज़्यादा कचरा टाइप भीड़ रहती है, लेकिन ये पहली बार है, मतलब सच में ये क्या इंडिया है, मतलब आप देख सकते हो कि इस बीच में कितना खालीपन लग रहा है। और ये अपने यहाँ इंडिया में तो ऐसा बहुत ज़्यादा ही रेयर ही है जो देखने को मिलता है। और ये बोट देखो चलने के लिए रेडी हो चुकी है, काफी मजा आता होगा वैसे स्पीड बोट में, अभी ये रफ्तार शायद पकड़ने ही वाली है। तो ये चीजें है भाई, इस बीच में बहुत ज्यादा शांति है। और लो हमें एक दूसरी बोट भी दिखाई दे दी और आप देखो इतने कम लोग, ये रेयर ही ऐसा होता है भाई हमारे इंडिया में कि किसी स्पॉट में किसी पब्लिक प्लेस में ऐसे कम लोग देखने को मिलते, तो ऐसा लगता है जैसे हम कहीं हॉलीवुड वाली जगह पे या फॉरेन वाली जगह पे तो नहीं आ गए। खैर जोक सपाट, लेकिन ये चीज़ बड़ी शॉकिंग है मेरे लिए कि इस बीच में लोग कम कैसे हैं, इतने कम लोग कैसे हैं, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं इंडिया में लोग ही लोग हैं, क्या करें, पॉपुलेशन ही इतनी है कि यहाँ पे हर जगह आपको लोग ही लोग दिखते हैं और यहाँ पे बहुत कम लोग थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मुझे पर्सनली ये बीच बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ का जो शांति वाला, मैं बोलूँगी इसको रिलैक्सिंग बीच, मैं एक नाम दे रही हूँ इसको अपने तरफ से, रिलैक्सिंग बीच है। बोट राइडिंग करना है तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्लेस है राइडिंग के लिए क्योंकि यहाँ पे शांत है काफ़ी और भीड़ भाड़ नहीं है, तो आपको काफ़ी अच्छे से राइडिंग करवा सकते हैं और आसानी होगी आपको राइडिंग के लिए। तो आप जब भी आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करिएगा। अब हम चलते हैं अलप्पी की तरफ, अलप्पी हमारा नेक्स्ट।
पार्ट होने वाला है। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ अलप्पी और सीधा हम अब मिलेंगे अलप्पी में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और हाँ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जो इस वीडियो में नया है ना, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी।